जितने भी लोग उमरान मलिक को कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करते हुए देखना चाहते थे, उनके तेज गेंदबाजी को देखना चाहते थे, उनके लिए थोड़ी सी निराश करने वाली खबर आई है। और अब इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि कल उमरान मलिक डेब्यू नहीं करेंगे। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हिंट दिया, जिस हिंट के तहत कहा जा रहा है कि शायद वो डेब्यू नहीं करेंगे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने जमकर तारीफ की उमरान मलिक की, उन्होंने कहा कि देखिए एक युवा गेंदबाज है, 22-23 साल के, उनके पास जेन्युइन पेस है और आगे और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं और हमें उमरान मलिक को लेकर थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है। और उन्होंने साफ कहा कि मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कितना गेम टाइम उनको दे पाऊंगा, यानी कि कितने मैचेस में उनको खिला पाऊंगा। हो सकता है कि 3 मैचेस के बाद उनको मौका मिले, हो सकता है कि पूरे सीरीज में उनको ना मौका मिले, लेकिन कल उमरान मलिक नहीं खेलेंगे यह ऑलमोस्ट 99% कंफर्म हो चुका है। और उनकी जगह पर हो सकता है कि आवेश खान या अर्शदीप सिंह को मौका दे, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कहा कि अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। और दूसरी बात यह है कि जब भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल आपके ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो फिर एक बाएं हाथ के गेंदबाज को आप लेकर आ सकते हैं, और वो अर्शदीप सिंह है जिन्होंने की कमाल की गेंदबाजी की है डेथ ओवर्स में शुरुआत में। तो हो सकता है कि वेरिएशन के तौर पर भारतीय टीम अर्शदीप को लेकर आ जाए, लेकिन उमरान मलिक का जो डेब्यू है वो आगे लंबा खिंच सकता है। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि उमरान मलिक को मैं टेस्ट मैचेस में खेलते हुए देखना चाहता हूं, मैं सबसे बड़े फॉर्मेट में उनको देखना चाहता हूं कि वहां पर किस रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि उमरान मलिक का जो करियर है वो बहुत ब्राइट है, आने वाले समय में उनको अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन कल शायद वो डेब्यू करते हुए नहीं नजर आएंगे और आने वाले मैचेस में आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कल अर्शदीप सिंह या आवेश खान, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, इन 4 तेज गेंदबाजों में से किसी 3 को खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन उमरान मलिक के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं।